ये 5 पे आ गए। अच्छा अब हमें क्या करना है? फाइव तो हो गई है। अच्छा अब हम नेक्स्ट पेटल अपने लेंगे और वो यहाँ से इसको भी यही इसी तरीके से यहाँ से 1 2 3 4 5 ये 5 से इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह। ये देखिए कनेक्ट करूँगी मैं यूँ, इसको कनेक्ट कर दिया और फिर ये इसी तरीके से 1 2 3 3 4 एंड 5। अब जब टॉप पे पहुंचेंगे तो वही फिर 3 बनाएंगे। ये देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 बना लिए। ये इस तरीके से इसका इस तरह इसका बॉर्डर बन जाएगा, ये इस तरह से, इस तरह। ये देखिए इस तरीके से इससे कनेक्ट होके ये एक बॉर्डर बन जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको पूरा चारों तरफ इस तरीके से ही बनाऊंगी मैं। एक दफ़ा और बता दूं आपको, यहाँ से मैंने 1 1 तो पहले हो गया ना, 1 2 3 3 4 4 एंड 5। फाइव हो गए। दादा का बर्गर फाइव मैंने बना लिए। अब अगेन हम यहाँ से फिर वही यहाँ से 5 काउंट करके और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। इसको 5 के साथ मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगी, ये इस तरीके से। सॉरी धागा फंस रहा है। इस तरीके से मैं कनेक्ट कर दूंगी और फिर वही ऊपर टॉप पे जाके हम वही 3 बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशे। तो ये इस तरीके से पूरा 1 2 3 4 5 टॉप पे पहुंच गए। 1 2 3 4 5 ये हम अपने टॉप पे आ गए। यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 एंड 3। ये 3 सिंगल क्रोशे हमारे बन गया। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो हम अपने फाइनल पे पहुँच गए बार्डर के। और यहाँ से मैं इसको अटैच करूँगी, ये जो हमने फर्स्ट बनाया था यहाँ पे सिंगल। ये देखिए सिंगल क्रोशे बनाया था यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे ये इसको इससे स्लिप स्टिच से इसको अटैच करके और यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे इस तरीके से और कट करके। ये हमारा ये स्पाइरल फ्लावर इज रेडी।
अब आप इसको एज अ हॉट पैट यूज़ करें, एज अ टेबल मैट यूज़ करें, या किसी भी चीज़ में लगाएं, बहुत खूबसूरत लगता है ये, बहुत अच्छा लगता है बनके। तो आज का हमारा ये ख़त्म हुआ यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।